साल 2019 बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि 13 साल की उम्र में उन्हें एक खतरनाक बीमारी ने घेर लिया था। इस कारण उनकी हड्डियां इतनी कमजोर हो गई थी कि वो चल फिर तक नहीं पाते थे। सिर्फ यही नहीं, इन सालों में उन्हें कई बीमारियों ने जकड़ा हुआ था। कुछ समय में उन्हें मिर्गी के दौरे भी पड़ने लगे थे। तब उनकी माँ ने उन्हें 24 लाख बार एक मंत्र का जाप करने की सलाह दी। ये इतना शक्तिशाली मंत्र था कि जब तक गोविंदा के ये 24 लाख जाप पूरे हुए, उनकी हर तकलीफ, हर बीमारी पूरी तरह दूर हो चुकी थी। और फिर धीरे धीरे अपने फिल्म करियर में आगे बढ़ते हुए उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। इन सभी चीजों के पीछे का कारण थे वो 24 लाख जाप और एक मंत्र, गायत्री मंत्र। और वो एक माला और एक आसन ले आई और कहा, गोविंद तुम 14 वर्ष के हो रहे हो बेटा, 14 से 21 24 लाख गायत्री करो, ये बीमारी निकल जाएगी। मैं 14 से 21 24 लाख गायत्री किया और विश्वास मानिए उसके बाद मैं बीमार नहीं। लेकिन जो काम बड़े बड़े डॉक्टर्स और ट्रीटमेंट्स नहीं कर पाए वो सिर्फ एक मंत्र से कैसे हो गया? हमारे पुराणों में ऐसे कई राज छिपे हैं जो हमारी दुनिया में होने वाली हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं, भले ही वो कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो या मेंटल। और इसी का एक पहलू है मंत्रों का उच्चारण, यानी मंत्र चैंटिंग, जिसके बारे में अगर हमें सही जानकारी हो तो हम अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। मंत्रों से जुड़े ऐसे कई राज हैं जिन्हें साइंस भी नहीं नकार पाता। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ गायत्री मंत्र, जिसे सनातन धर्म में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। ऋग्वेद के अनुसार गायत्री मंत्र दुनिया के सबसे पुराने और शक्तिशाली मंत्रों में से एक है। और ऐसा माना जाता है कि इस एक मंत्र का उच्चारण करना ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी त्रिदेव की एक साथ आराधना करने जैसा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र का ओरिजिन एक छल के कारण हुआ था? कहा जाता है कि गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। कहानियों के अनुसार ऋषि विश्वामित्र कई दिनों से गहरी तपस्या में लीन थे। उनके ध्यान से उनकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर देवराज इंद्र को अपना सिंहासन छिन जाने का डर सताने लगा। और इसीलिए ऋषि विश्वामित्र के ध्यान को भंग करने के लिए उन्होंने स्वर्ग की एक खूबसूरत अप्सरा मेनका को उनके पास भेजा। मेनका ऋषि के पास पहुंची और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगी। मेनका की खूबसूरती को देखकर ऋषि विश्वामित्र के मन में काम वासना जाग उठी और उनका ध्यान टूट गया। ऋषि विश्वामित्र मेनका की ओर और ज्यादा आकर्षित होते गए और इस कारण उनके आजीवन ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा टूट गई। और तब अपने भगवान से क्षमा मांगने और उनका मार्गदर्शन लेने के लिए ऋषि विश्वामित्र ने इस महान मंत्र की रचना की थी। उन्होंने अपने गहरे ध्यान से इस मंत्र को प्रकट किया, जिसकी शक्ति चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के ध्यान करने से भी ज्यादा थी। गायत्री मंत्र का अर्थ है वो शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, इन तीनों लोकों के स्वामी है, जो सूरज की तरह उज्ज्वल है, जिन्हें हर कोई अपनाना चाहता है। वो हमें ध्यान की ओर बढ़ने की बुद्धि और शक्ति दे। सो दिस वन गायत्री मंत्र इज एक्सेसिंग द वरेण्यम भर्गः, द हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन फॉर आवर लाइफ एज वी नो इट हियर, टू एक्सेस इट सो दैट इट प्रोपेल्स आवर माइंड्स फॉरवर्ड। गायत्री मंत्र का उच्चारण आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जाता है और आपकी आत्मा को भगवान से जोड़ता है। लेकिन गायत्री मंत्र के उच्चारण का असर सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि विज्ञान की दृष्टि से भी इसका गहरा महत्व है। माना जाता है कि हर रोज इस गायत्री मंत्र का जाप करने से आपके जीवन के स्ट्रेस कम होने लगते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल में आ जाता है और आपका ब्रेन और ज्यादा एफिशिएंटली काम करने लगता है। भगवान शिव, जिनसे मृत्यु के देवता यमराज भी डरते हैं, जिनकी शरण में जाने से कोई भी जीव जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है, उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता, अपनी खुद की मौत से भी नहीं। मृत्युंजय यानी मृत्यु पर विजय पाना, और ये संभव है सिर्फ त्रयंबक यानी तीन आँखों वाले देवता शिव जी की आराधना से। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षये मामृतम्। एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र जो मृत्यु को भी हरा सकता है, जिससे अकाल मृत्यु तक का डर खत्म हो जाता है। इस महाशक्तिशाली मंत्र में कहा गया है कि हम उन तीन नेत्रों वाले ईश्वर की आराधना करते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त करें।
हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार एक फल पकने के बाद पेड़ का त्याग कर देता है, उसी प्रकार हमारा समय आने पर हमें भी सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति हो। महामृत्युंजय मंत्र का इतिहास प्राचीन भारत के ऋषियों और देवियों से जुड़ा है। पुराणों के अनुसार ऋषि मृकंड और उनकी पत्नी मनस्विनी को शिव जी के आशीर्वाद से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मार्कंडे रखा गया। मार्कंडे बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसके जन्म से पहले ही ये तय हो गया था कि 16 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर इसकी वजह क्या थी, ये जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। जैसे जैसे मार्कंडे बड़े हुए, उनके माता पिता उदास रहने लगे। जब मार्कंडे को उनके दुख का कारण पता चला तो उन्होंने शिव जी की आराधना करनी शुरू कर दी। ऐसा माना जाता है कि इसी दौरान ऋषि मार्कंडे ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी, और इसी मंत्र का जाप करते करते उनकी मृत्यु का समय करीब आ गया। जब यमराज उन्हें लेने आए तो उन्होंने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। यमराज ने मार्कंडे के शरीर को जकड़ना चाहा, पर जैसे ही उनकी रस्सी ने शिवलिंग को छुआ, वहां अचानक शिवजी प्रकट हुए। वो अत्यंत क्रोधित थे और उनका क्रोध यमराज पर निकल पड़ा। शिवजी ने अपने त्रिशूल से उन पर प्रहार किया और एक झटके में मृत्यु के देवता का ही वध कर दिया और अपने भक्त को बचा लिया। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से वो मरते समय जो दुख और पीड़ा है वो आपके पास नहीं आती है, और आपके जो ये कर्म है जिसकी वजह से आपको ये सब फेस करना पड़ता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से हमें शारीरिक और मानसिक शक्ति और शांति मिलती है। इस मंत्र का उच्चारण करने से बुरी शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं और मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, ये हमारी आत्मा की रक्षा भी करता है और हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। माँ चामुंडा देवी का ऐसा विकराल रूप जो असुरों का संहार करता है, जो आदि शक्ति माँ काली के 64 योगिनियों में से एक है, जिन्हें अक्सर शमशान घाट के आसपास दर्शाया जाता है, जिन्होंने चंड मुंड नाम के भयंकर असुरों का वध किया था। देवी माँ के इसी विकराल रूप की आराधना करने के लिए नवाक्षरी मंत्र का प्रयोग किया जाता है। ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विचे। इस मंत्र का अर्थ है, मैं माँ चामुंडा की शरण में आता हूँ, जो दैत्यों और बुरी शक्तियों का विनाश करती है और हमारी रक्षा करती है। नवाक्षरी मंत्र माँ दुर्गा के सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है। माँ दुर्गा इस संसार के सभी जीवों की रक्षा करती है, और इसीलिए इस मंत्र का ध्यान करने से हमारी सभी परेशानियों का समाधान मिल सकता है और ये हमारे मन को शांत करता है। इस मंत्र के हर एक शब्द का एक अलग महत्व है। ओम यानी इस दुनिया की ध्वनि, एम यानी महा सरस्वती, ह्रीम यानी महालक्ष्मी, क्लीम यानी महाकाली, चामुंडाय यानी माँ चामुंडा, और विच्चे यानी रक्षा करना। अर्थात इस एक मंत्र में संसार की सभी शक्तियां समाई हुई हैं, जो कई रूपों में हमारी रक्षा करती हैं। सदियों से लोग इस मंत्र का जाप अपनी सारी इच्छाओं की जल्दी से जल्दी पूर्ति करने के लिए करते हैं। नवाक्षरी मंत्र का जाप करने से एक इंसान को हर तरह की बुरी ऊर्जा से रक्षा मिलती है और उसका मन शक्ति, ऊर्जा और उम्मीद से भर जाता है। तनाव, चिंता और डिप्रेशन दूर होते हैं और आंतरिक शक्तियाँ जागृत होती हैं। ओम नमः शिवाय। हर शिव भक्त के मुंह से आपने कभी ना कभी ये मंत्र जरूर सुना होगा। ये मंत्र शिव जी को समर्पित है, जो देवों के देव महादेव हैं। इस मंत्र के जरिए हम कहते हैं, मैं शिव जी को नमस्कार करता हूँ। पंचाक्षरी शिव मंत्र यानी पांच अक्षर। इसका मतलब ये है कि ये मंत्र पांच अक्षरों से मिलकर बना है, जो नेचर के पांच एलिमेंट्स का प्रतीक है। ना यानी पृथ्वी, मा यानी जल, सी यानी अग्नि, वा यानी वायु, और या यानी आकाश। ओम यानी वो जिसमें सब कुछ समाया है, और ये पांच एलिमेंट्स जिनसे मिलकर ये पूरा ब्रह्मांड बना है। पुराणों और योग विद्या के अनुसार हमारा शरीर इन पांच एलिमेंट्स से ही मिलकर बना है, और इसीलिए पंचाक्षरी शिव मंत्र का जाप करके हम अपने अंदर के इन पांच तत्वों को जागृत कर सकते हैं और उनका आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। ये मंत्र हमारे मन को पवित्रता से भर देता है और हमारे ऊपर शिव जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। सिर्फ यही नहीं, अगर साइंस की माने तो इस मंत्र की रेगुलर चांटिंग से हमारा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और इस प्रकार इस मंत्र से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ओम गण गणपते नमः। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता, बुद्धि के देवता गणेश जी को समर्पित ये मंत्र हमारे सभी दुख दूर करता है और हमारी लाइफ को पॉजिटिविटी से भर देता है। गणेश बीज मंत्र का इस्तेमाल अक्सर योग साधना में किया जाता है, जो आपको ज्ञान और शांति की ओर लेकर जाता है। इस मंत्र का अर्थ है, मैं गणेश जी को प्रणाम करता हूँ। ऐसा माना जाता है कि कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले इस मंत्र का जाप करने से हर तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं और हमें सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। और इसीलिए जो लोग अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं,
उनके लिए ये मंत्र बहुत महत्व रखता है। गणेश बीज मंत्र का नियमित जाप करने से हमें गणपति जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर काम में सफलता मिलती है। सिर्फ यही नहीं, गणेश बीज मंत्र का जाप करके हम अपने जीवन में शुभ और मंगल प्राप्त करते हैं और साथ ही स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ते जाते हैं। मंत्रों की शक्ति हमारे जीवन के अनदेखे पहलुओं पर काम करके हमारी पूरी लाइफ को सुधार सकती है। लेकिन ये बातें सिर्फ स्पिरिचुअलिटी या भगवान से नहीं जुड़ी है, बल्कि साइंस भी इन्हें मानता है। और इसीलिए मंत्र जाप एक अद्भुत साधना है जो इंसान को स्पिरिचुअली, फिजिकली और मेंटली मजबूत बनाती है और हमारी लाइफ में बैलेंस लाती है। इन मंत्रों की शक्ति और महत्व को समझकर हम अपने जीवन को और भी बेहतर और सुंदर बना सकते हैं। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी, अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।